अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Xiaomi Redmi Note 5 Pro। और फाइनली आज इसमें आ चुका है MIUI 11 का अपडेट। अब काफ़ी सारे लोग फिर से कहेंगे कि भाई MIUI 11 नहीं, MIUI 11 होता है, तो समझने से मतलब है चाहे कुछ भी होता है। लेकिन अगर जाएंगे यहाँ सेटिंग्स में और देखेंगे अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है MIUI का जो वर्ज़न है वो है 11.0.3 और ये अभी अभी मेरे में आया है। काफ़ी सारे लोगों को 3-4 दिन पहले से मिल रहा होगा, लेकिन दोस्तों मुझे तो आज ही मिला है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को आज मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो इंतजार कर लीजिए और अपने अपडेटेड एप्लीकेशन को चेक करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, तो वो हो गया है 5 नवंबर का, यानी कि बिल्कुल ही नया अपडेट दिया गया है, बिल्कुल ही दोस्तों नए सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ दिया गया है। लेकिन अगर बात कर ले कि इसमें क्या कुछ नया आया है, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार कई सारे स्मार्टफोन्स में MIUI 11 के फीचर्स के बारे में बता दिया है कि क्या कुछ नया आया है। तो अगर आप चाहे तो मेरा पोको एफ1 का वीडियो देख लीजिए, सेम चीज़ है, या फिर आप चाहे तो रेडमी नोट 4 का वीडियो देख लीजिए, सेम चीज़ है, या आप चाहे तो रेडमी नोट 7 प्रो का वीडियो देख लीजिए, सेम चीज़ है। तो सारे के सारे जो फीचर्स है वो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि रेडमी नोट 4 वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज़ें हुई हैं जो कि रेडमी नोट 4 के साथ हुई है, और बिल्कुल सेम वही चीज़ें आई हैं जो कि Redmi Note 4 में आई है, और बिल्कुल सेम वही चीजें नहीं आई हैं जो कि Redmi Note 4 में भी नहीं आई हैं। तो इसलिए प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आप इसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाला हूं इस MIUI 11 के अपडेट में, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर है वो आपको नहीं मिलता है यहां पे ग्लोबल रोम में, लेकिन चाइना रोम में जो MIUI 11 है उसमें आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर मिल जाता है यहां पे, जो कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन में। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और चीज नहीं मिलता इसमें, और वो ये है कि जो सिस्टम लॉन्चर है उसमें आपको एप्लीकेशन ड्रॉयर का ऑप्शन नहीं मिलता है, तभी भी आपका पुराना वाला ही सिस्टम लॉन्चर है। तो मैं ये दोनों बातें बताऊंगा कि आप किस तरह से नया वाला सिस्टम लॉन्चर, यानी कि बिल्कुल ही ऐप ड्रॉयर के साथ सिस्टम लॉन्चर ला सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सट्रीम बैटरी डेटा सेवर को भी ऑन कर सकते हैं किसी भी MIUI 11 वाले फोन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फोन है और उसमें MIUI 11 है तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर पर चले जाना है और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। ये दोस्तों हमारे हमारे फोन के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जो दोस्तों मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके अंदर तक खोज खोज करके निकालता है फीचर्स को। तो ये दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि बनाया गया एडम एजाउकोस्की के तरफ से। उसका दोस्तों आपको जाना है, ओपन करना है इसे। ओपन करने के बाद थोड़ा देर ये लोड करेगा, 313 एप्लीकेशन है तो सब कुछ मेरा जो है लोड करेगा। लोड करने के बाद आपको पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, और यहां पर आपको मिलता है बैटरी एंड परफॉर्मेंस, आपको इस पर टैप करना है, और उसके बाद देखेंगे कि यहां पे आपको मिलता है एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन। तो आपको ये एक्सट्रीम बैटरी सेवर में चले जाना है, और उसके बाद आपको ये एक्सट्रीम बैटरी सेवर को ऑन कर देना है। जैसे ही आप इस एक्सट्रीम बैटरी सेवर को ऑन करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, आपका जो बैटरी का कलर है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो फोन है वो चला जाएगा शायद ग्रे स्केल मोड में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर है वो ऑन हो चुका है। इस मोड में आपका जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा बचाने का कोशिश करेगा, ये एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड। हालांकि ये अभी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट दोस्तों एटलीस्ट ये काम कर रहा है, ये काफी जबरदस्त बात है। बैकग्राउंड एक्सेप्शंस भी आपको मिलते हैं, तो यहां से आप चाहें तो बैकग्राउंड एक्सेप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन में एक्सट्रीम बैटरी सेवर काम नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम बैटरी सेवर काम करने के बाद देख सकते हैं कि आपका जो वाईफाई डेटा है वो सब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो मैं यहां से दोबारा से एक्सट्रीम बैटरी सेवर ऑन करता हूं, ये देखिए दोस्तों अभी वाईफाई डेटा ऑन है, और दोबारा से मैं एक्सट्रीम बैटरी सेवर को ऑन करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ ऑफ हो जाएगा। तो जी हाँ, एक्सट्रीम बैटरी सेवर काम कर रहा है, बट उतना जबरदस्त काम नहीं कर रहा है, बट दोस्तों एटलीस्ट ये काम कर रहा है, और हो सकता है कि ये आपके बैटरी को कुछ हद तक बचा ले। लेकिन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या हमें मिलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जैसे कि NFC को बंद कर देगा, तो ये सब ज्यादा अच्छा होगा, जो नए डिवाइसेस है उसमें ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो नेक्स्ट चीज दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम लॉन्चर में आपको किस तरह से पाना है दोस्तों, सिस्टम लॉन्चर में आपको कैसे ऐप ड्रॉअर लाना है, तो फिर से आप जाएंगे दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर में, और आपको चले जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम लॉन्चर, किधर है दोस्तों सिस्टम लॉन्चर, ये रहा दोस्तों सिस्टम लॉन्चर। आपको इस सिस्टम लॉन्चर पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों सिस्टम लॉन्चर के होम स्क्रीन सेटिंग्स में, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन लिखा हुआ है, और इसके हम लोग होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे रेगुलर और विथ एन ऐप ड्रॉअर लिखा हुआ है, तो हम लोग विथ एन ऐप ड्रॉअर को टैप कर देंगे। ये कहेगा क्या आप ऐप ड्रॉअर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ओके कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको होम बटन दबाना है और उसके बाद आपका जो होम स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो ऐप ड्रॉयर है वो आ जाएगा। बस हो गया दोस्तों आपका सिस्टम लॉन्चर विथ ऐप ड्रॉयर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ऊपर की ओर करूँ तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ऐप ड्रॉयर आ गया जो कि शाओमी का मेन सिस्टम लॉन्चर है दोस्तों। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा और अभी भी 3D टच वगैरह जो है काम कर रहा है, तो आपको किसी भी तरह का इशू नहीं है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे YouTube में 3D टच, तो वो भी दोस्तों सारा का सारा ऑप्शन जो है आपको दे रहा है। यहाँ से आप सिस्टम लॉन्चर को जो है सर्च भी कर सकते हो। अभी 8 ball भूल गया यार, यहाँ से आप सिस्टम लॉन्चर को सर्च भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी हद तक दोस्तों पोको लॉन्चर के जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल है दोस्तों। पोको लॉन्चर इससे ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलते हैं, इसमें आपको काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें मिलती हैं जो कि आप कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो देखने का शुक्रिया। मुझे बस यही बताना था कि आपको कैसे एक्सट्रीम बैटरी सेवर का इस्तेमाल करना है और कैसे आपको जो है नया वाला सिस्टम लॉन्चर पाना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बार बार नहीं चाहते हो कि भाई बार बार मुझे एक्टिविटी लॉन्चर खोलना पड़े और बार बार आप चाहते हो कि मुझे एक्सट्रीम बैटरी सेवर ऑन करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये जैसे बैटरी में गए और यहाँ पर जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर है, जैसे ओपन करने के बाद दोस्तों ये सेटिंग आता है, ये दूसरा वाला एक्सट्रीम बैटरी सेवर, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि इसे टैप एंड होल्ड करो और टैप एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट पर टैप कर दो। क्रिएट शॉर्टकट टैप करने के बाद ये पूछेगा परमिशन, आप इस पर टैप करो और इसे जो है होम स्क्रीन शॉर्टकट्स का परमिशन एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद फिर से जाओ और दोबारा से वही काम कर दो, एक्सट्रीम बैटरी सेवर को क्रिएट शॉर्टकट टैप कर दो। उसके बाद आपका जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर उसका शॉर्टकट आ जाएगा आपके होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सट्रीम बैटरी सेवर का शॉर्टकट दिया रहेगा। अगर यहाँ पे आपको ना मिले तो पुराने वाले लॉन्चर में थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, बिकॉज गाइज इसमें जो है कभी कभी नहीं आता है। चलो कोई नहीं, पुराने वाले लॉन्चर में हम लोग चल के देखते हैं। तो सिस्टम लॉन्चर यार थोड़ा सा मिस हो गया ये वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये रहा होम स्क्रीन, पुराने वाले लॉन्चर में चलते हैं। और पुराने वाले लॉन्चर में जाने के बाद क्या हमारा होम स्क्रीन पे बना है, ये देखिए दोस्तों एक्सट्रीम बैटरी सेवर नाम से बन चुका है। अब हम लोग इस पर टैप करेंगे और डायरेक्टली हमारा जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर है वो खुलेगा। जब भी आप इस पर टैप करेंगे डायरेक्टली आपके एक्सट्रीम बैटरी सेवर खुलेगा। यहाँ से आप डायरेक्टली अपने एक्सट्रीम बैटरी सेवर को जो है ऑन कर सकते हैं और सारा चीज़ जो है ये ऑफ कर देगा। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ और चलता हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों आज का वीडियो देखने शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजाना वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। ये एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है ना।